गांधी को किसी ने संभाल नहीं पाते हैं, राहुल गांधी को किसी ने क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है। आओ तो आप, अब उसमें हुआ क्या, नुकसान दोनों का ही हुआ भाई, दोनों तरफ से कागज आ गए। ये कहते कि सावरकर हमारे वीर सावरकर है, ये है। अब सावरकर ब्राह्मण थे, अब महाराष्ट्र में ब्राह्मण वर्सेस मराठा, ये बहुत पुराना पेशवा वर्सेस छत्रपति चल रहा है। अब उसमें एक लड़ाई चालू हो गई, सावरकर की जो चीजें लोगों के पास नहीं थी वो भी सामने आने लगी, सावरकर और बदनाम होने लगे बिना वजह। उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है हर लोगों का। कल कोई कहे कि शहीद भगत सिंह ने बम फेंका और भागना चाहते थे तो भाग जाते, जबरदस्ती शहीद हुए, ये गलत बात है। उनकी भी कुछ गलतियां होती थी, वो लेफ्ट विचारधारा के थे, लेकिन उनकी शहादत को कमजोर कम नहीं आंका जाता। उन्होंने भी अपनी काला पानी में किया, तो नेहरू ने भी 9 साल की जेल काटी है, नेहरू को भी इतना कम। लेकिन ये क्या होता है कि आप इतिहास में इसलिए जा रहे हैं कि वर्तमान में बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन जहां तक कर्नाटक की बात है, तो कर्नाटक कांग्रेस भी तो सीख रही है अपने पुराने इससे। कांग्रेस ने हिमाचल जीता, तो कांग्रेस ने हिमाचल पे ज्यादातर पूरा दामोदमान लोकल नेताओं पे छोड़ा था, और एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था राजीव शुक्ला जो, और प्रियंका गांधी और सब मिलते, लेकिन ज्यादातर टिकट लोकल लोगों के हिसाब से। इस बार भी डीके शिवकुमार है या खरगे साहब है या फिर वहां पे सीतारमैया है, ये तीनों के बलबूते पे छोड़ा है। जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है उसका कहीं नाम नहीं सुन रहे होंगे आप पूरे डिस्कशन में, कहीं अखबार में कोई कोर्ट तक नहीं आता, उनको बाहर ही रखा है। सुरजेवाला, सुरजेवाला के आप बाहर भी रहिए क्योंकि आपकी वजह से नुकसान ही ज्यादा होगा। तो उनको ये आपकी राय है, नहीं आपने सुरजेवाला ने काफी दो दिन पहले शेयर लिया लोकसभा में, लोकसभा में सुरजेवाला की एक महिला मित्र के साथ शॉर्ट में फोटो छपती है मॉल में, चुनाव पीक पे है और वो मॉल में पिक्चर देखने गए, डैमेज होती है पार्टी, छपा है ये। ऐसे में आपको चाहे तो मैं कई पत्र दिखा सकता हूं उनके खिलाफ जो लोगों ने लिखे, लेकिन फिर तो टिकट जो देगा वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बाय एंड लार्ज ये तय हुआ है कि हार जीत फिर आप तय करोगे, क्योंकि यदि आपके उम्मीदवार हार गए तो फिर आप मुख्यमंत्री पद मांगते हो तो फिर आपको सवाल उठेगा कि आपने रिकमेंड किए थे ना, ये हारे। तो भाव मैं आखिर में आ गया हूं शो के, इसके बारे में माइंड अप करें, आप कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस और भाजपा? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यदि कांग्रेस अपने बलबूते पे भारी मार्जिन में सरकार नहीं चुनाव जीतती तो सरकार बीजेपी की बनेगी। भारी मतलब कितना? 114 के ऊपर कितना? 114 के ऊपर मतलब कम से कम उनको 130 तक जाना चाहिए, तब मुख्यमंत्री बना पाएंगे। तब नहीं नहीं, तब सरकार टिकेगी। अच्छा, वरना 7-8 के भरोसे हो तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, वहां होने में टाइम नहीं लगता, कर्नाटक है वो। जेडीएस कितनी सीटें निकालता है इस पे बहुत अहम मुद्दा, लड़ाई पूरी साउथ। यदि जेडीएस ने 25-23-24 भी सीटें ब्लॉक की तो मैं बीजेपी को इतना कमजोर भी नहीं मानता कि जेडीएस ने यदि 20 से 23 सीटें ब्लॉक की और यदि ये 70 तक पहुंच गए बीजेपी तो फिर गड़बड़ हो गई। जेडीएस उस तरफ भी जा सकता है, जेडीएस किधर भी जा सकता है, क्योंकि फिर ईडी इनकम टैक्स सारे काम में आ जाते हैं ना, तो फिर क्या करेंगे बेचारे। आप जेडीएस की मदद लेगी बीजेपी? क्यों नहीं ली बीजेपी जेडीएस का पहले भी लिया है, इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। इसमें भाई कोई... भाई प्राइम मिनिस्टर ने देवेगौड़ा साहब ने जो तारीफ की थी प्रधानमंत्री मोदी की, वो तो किसी छुपी नहीं है, सबके सामने है, राज्यसभा उनके भरोसे। ऐसा है कि सत्ता अगर बनाना है तो जेडीएस से कोई ऐसी लड़ाई उनकी नहीं है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा, अगर किसी एक नेता ने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो है आग उगला था, जहर उगला था, तो नीतीश कुमार थे। फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने 2017 में अरुण जेटली ने कहा कि नहीं 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 सरकार बनने दीजिए, पहले तो कमेटी बन गई थी, बना दिया, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सब बात की संभावना है। कई चीजें हम यहाँ ऑपरेशन लोटस देखिए, ऑपरेशन लोटस जैसा कोई चीज हमने देखा नहीं उस रूप में जैसे कहा जा रहा है। अब हंस रहे हैं भाई, सवाल यह है कि महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो आप महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को बहुमत जनता ने दिया था, शिवसेना अलग हो गई थी, तो सरकार किसी की चली गई बनती हुई, उसके बाद वो कुछ करेगी नहीं करेगी। मध्य प्रदेश का इनको मालूम है, आपको मालूम है कितना अंतर था दोनों बिहार में, जब आरजेडी और नीतीश कुमार को तोड़ते हैं तो वो सुने शिवसेना देखो भैया अशोक, मैंने बीच में इतनी शांति से मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा धैर्य, आपने इतनी बातें बोली है, मुझे भी अंदर जरा पैदा होती रही होगी, मैं नहीं बोला हूं। ऐसा है कि बिहार में भी जो ये कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए गिराने के लिए कोई तोड़फोड़ बिहार में नहीं हुई है, ये फैक्ट है, देखना चाहिए। गोवा की घटना सबको मालूम है कि गोवा की क्या, किसी को बहुमत नहीं था, क्या हुआ। इसलिए उस प्रकार से जो कहा जाता है ना, कि मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस अगर बहुमत से 2 सीट भी ज्यादा लाएगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, अलग बात है चलेगी कि नहीं, ये कहना कठिन है। देखिए कर्नाटक का कैरेक्टर नहीं है, सवाल यह है कि देखिए कर्नाटक का 5 साल पहले देखा हमने, देखा कुमार स्वामी, वही कह रहा हूं ना मैं वही बात कह रहा हूं कि कर्नाटक का कैरेक्टर जो है हमारे आपके लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होता है। कर्नाटक में ये भी गए, हम भी जाके देखे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार में वहां जनता के लिए मुद्दा ही नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे वहां?
लोग तो आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक की जनता को भ्रष्टाचारी भी पसंद है? ना हाँ, तभी तो आप रेड्डी बंधु कैसे जीते थे? रेड्डी बंधु कैसे जीत रहे जो है येडियुरप्पा को उस रूप में भ्रष्टाचारी में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो? कोर्ट से बड़ी हुआ उसके बारे में ऐसे नहीं कह सकते। मैंने बोला ना रेड्डी ब्रदर्स का वो भी नहीं, ठीक है, था उसको कैसा भ्रष्ट कह रहे हो? इसलिए बहुत पावर का भी कोई भ्रष्टाचार का नहीं है। 70,000 करोड़ का आरोप लगा अब भाई भ्रष्टाचार को तो हर चीज बना सकते हो। अरे भाई भोजन पचा ले, भोजन पचा ले यार, किसी बात कर रहे हो? नहीं, आपका व्यभिचार दूसरे का व्यभिचार, आपका सदाचार ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ना, सुनिए सुनिए सुनिए, महाराष्ट्र में मैंने टोक टाक नहीं किया है, मैंने टोक टाक नहीं किया। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस उस समय का है, सावरकर जी पर उस समय से बोलते जा रहे हैं कि दोनों को क्षति हो गई, कागज निकल गया। कौन सा कागज निकल गया भाई सावरकर जी पर? कागज ये निकला है कि महात्मा गांधी ने सावरकर को बचाने के लिए 200 लेख लिखे, वो डेट बाई उपलब्ध है। उन्होंने लिखा कि मेरे से पहले सावरकर ने अंग्रेजों की असलियत पहचान ली थी, इस राष्ट्र को जान लिया था। उन्होंने लिखा कि मेरी लंदन में उनसे बात हुई थी 1909 में, वहां से लौटते समय हमने हिंद स्वराज लिखा था। बहुत सारी बातें आई हैं। तो अब सावरकर जी पर बहस करेंगे? मैं तो बीच में नहीं बोल रहा हूं, एक बार भी मैं टोकने नहीं गया हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका मत है वो सम्माननीय है, आपका मत, मेरा मत है वो मेरे लिए है, उसका भी सम्मान करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा के पटल पे मुख्यमंत्री ने बताया था कि पार्टी कैसी टूटी। उन्हें कहा कि पार्टी टूटने के शिल्पकार मेरे साथ बैठे हुए हैं, और उन्होंने जब बोरा देना शुरू कर दिया कि कितनी मीटिंग हुई, 150 मीटिंग हुई, तब उप मुख्यमंत्री उठ के खड़े होकर बोलते कि आप चुप हो रही है, अब कुछ चीजें अंदर ही रखिए, ये रिकॉर्ड पे विधानसभा के पटल पे आपको रिकॉर्ड निकाल के दिखा सकता हूं। उसके बाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री की पत्नी कहती है कि रात को गॉगल लगा के, वो जैकेट पहन के जब रात को निकलते थे ये, तब आज मुझे पता पड़ा कि इनको पार्टी तोड़नी थी। अब आप उस लोगों के, लोग कहते हैं कि हमारे 6 महीने से पार्टी तोड़ने का प्रयास चल रहा था, आप ये कहते हो कि ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ। ऑपरेशन लोटस किसको कहते हैं? ऑपरेशन लोटस ये नहीं होता कि कमल का बीज लगाया, कमल का फूल खिलाया और कमल महाकाल को अर्पित किया, ये ऑपरेशन लोटस नहीं है। ऑपरेशन लोटस एक सिंबॉलिकल नाम है, सत्ता पक्ष को धाराशाही करके उसको तोड़ना। और ये हर जगह ऑपरेशन लोटस राजस्थान में नहीं हो रहा सक्सेस, जब क्या करें, जब जगह होता है कुछ जगह नहीं होता है। जब आप आइडियोलॉजिकली, जब आप आइडियोलॉजिकली किसी को परास्त नहीं करते हैं तो ऐसे ही शब्द गढ़ जाते हैं हमारे देश में। ये शब्द गढ़ के आप किसी को कमजोर, सवाल है कि जिस, नहीं नहीं, जिस के साथ आप जा सकते हैं, शिवसेना के साथ जा सकते हैं, जिस शिवसेना का हिंदुत्व, तो मैं पूछ रहा हूं, जिस शिवसेना का हिंदुत्व के आधार पर हुआ, वो शिवसेना का मुख्यमंत्री अगर सारे सेकुलर बात के रास्ते पर जाएगा, पार्टी में विद्रोह नहीं होगा? आप कहते हैं विद्रोह नहीं होगा, विद्रोह होगा तो सपोर्ट, जो शिवसेना मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ी, अच्छा। और वो बाला साहब ठाकरे होते हुए लड़ी, जो शिवसेना लेफ्ट के भरोसे अपना मेयर मुंबई में चुनाव जीत के आई, वो कौन सा है? सत्ता के लिए सबने कॉम्प्रोमाइज किया, चाहे बाला साहब ठाकरे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बीजेपी अगर मुस्लिम लीग के साथ जाएगी तो ये वैचारिक डिफरेंस होगा। बहुमत की जेल में भी तो डाल दिया, आप एक ही चीज याद रखते हैं, 6 महीना जेल में डाला और पूरे कश्मीर को चेंज करके भूल जाते हैं। एक आधार बनाने के लिए कई बार दुश्मन के साथ समझौते करके साथ लाके चीजों को समझ कर पूरे कश्मीर को चेंज कर दिया। उसके बाद का कदम देखिए, बीजेपी ने फारूक के बेसर का सबको जेल में डाला, सारे को नजरबंद किया, 370 हटाया, राज्य को खत्म कर दिया, इसको आप भूल जाते हैं? अगर जम्मू कश्मीर के प्रशासन को समझना है तो बीजेपी को सत्ता में जाए बगैर कैसे कर सकते थे? कैसे वहां के पुलिस कंट्रोल में आ सकती थी? तो लक्ष्य देखिए ना क्या है हमारा। अगर हमारा लक्ष्य किसी देश को परास्त करना है, उस समय कोई दुश्मन देश साथ कराए तो पहले पाकिस्तानी थोड़ी है। उस समय हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाद में समझ में आई कि अगर ये बातें ठीक है, हमको तो 370 हटाना है तो ठीक है। उस समय तो सबने विरोध किया, हम सब लोगों ने उसके खिलाफ बोला, सरकार उन्होंने चलाया, बुद्धिजीवियों ने, बाकी लोगों ने, सबने कहा कि ये बेमेल की सरकार है। और सरकार कैसे चली? दूध का धुला कोई नहीं है, तो कोई ये कहे कि मैं पाक साफ हूं, गलत है तो बिल्कुल नहीं है, हर एक के पास कारण है।
कल उद्धव ठाकरे भी जब वापस बीजेपी आएगा तो बोलेंगे कि मैं शरद पवार को समझने के लिए साथ में गया था, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं होगा।